नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में मैं किरेना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। काबुल में पुल ए चरखी जेल के पास आत्मघाती हमला हुआ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने चीन को रेमिन यूनिवर्सिटी से संबंध तोड़ा। राजधानी काबुल में बस पर आत्मघाती हमला किया गया जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया के सेना प्रमुख ने बुधवार को कहा कि इंडोनेशिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे की तेजी से की जा रही है तलाश। समुद्र तल पर एक ऐसे स्थान का पता लगाया है जहां विमान का मलबा हो सकता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने कहा कि कामगारों के अधिकारों का बचाव करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई के आरोपों के घेरे में आई बीजिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी के साथ उसके 2 एक्सचेंज कार्यक्रम निलंबित कर दिया है। एमएनएस न्यूज लाइव में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।